और अब बारी है आज तक साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की। आज तक साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जा रहा है श्री गुलजार को। गुलजार साहब ने अपने गीत, अपनी कविता, कहानी, पटकथा, सिनेमा से दशकों से देशवासियों के दिलों पर राज किया है। श्री गुलजार को आज तक साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बधाई और शुभकामनाएं। पर हम उनसे यह आग्रह भी करते हैं कि अपने शब्दों का आशीर्वाद इस मंच को जरूर दें। ऑनरेबल श्रीमती राष्ट्रपति जी और आज तक के साथियों और बाकी सब और वो दोस्त जो यहाँ पे तशरीफ रखते हैं और साहित्यकार हैं और जिनको इनाम मिला है, जिनको अवार्ड मिले हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे भी मिला है और वो भी राष्ट्रपति जी के हाथ से, तो सम्मान बढ़ गया, कुछ ज़्यादा ही हो गया। लिखने का काम वहाँ तक तो ठीक था, अब बोलने के लिए जो कहा गया है तो मुझे शब्द चुनने पड़ रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि राष्ट्रपति जी के सामने ही कह रहा हूँ कि साहित्यकारों से ज़रा मेलजोल ज़्यादा बढ़ा लीजिए, ये बड़े काम के लोग हैं। या जिस देश और जिस वतन की आप राष्ट्रपति हैं, ये उन लोगों की, उन आवाम की, उस जनता की कहानियां कहते हैं जिसकी आप इस वक्त राष्ट्रपति हैं, जिसकी आप प्रेसिडेंट हैं। क्योंकि ये मासूम लोग हैं, आपके सियासत में तो घूमचाम होती रहती है, दुनिया में भी देश देश में आप जाती हैं, लेकिन साहित्यकारों को वक्त बहुत कम मिलता है और अमूमन प्रेसिडेंट से मिलने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। तो मेरी दरख्वास्त है आपसे कि इन साहित्यकारों को मिलिए, इन्हें पढ़िए, इन्हें देखिए, आपको अच्छा लगेगा। मैंने एक मामूली सी कोशिश की है कि हमारे दौर की कविता जो हमारी आज़ादी के बाद से जो अब तक हुई है, और मैंने बहुत 9-10 साल मेहनत करके हिंदुस्तान के कोई 400 कवियों का अनुवाद किया है और हिंदुस्तान की 34 जबानों से उनके अनुवाद करके एक किताब बनाई है। अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको पेश करना चाहता हूं। तो अगर मैं आप, थैंक यू, मेरा एक वादा था हमारे विद्यार्थियों से जिन्होंने मुझे कहा था कि हमारे यहाँ जो टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई जाती हैं कविताएं, जो शायरों को पढ़ाया जाता है हर दफ़ा, गालिब हैं, टैगोर हैं, टेनिसन हैं और तमाम गुरु हैं, तो वो आज के दौर के साथ रेलेवेंट नहीं लगते हमें। जो चारों तरफ ज़िंदगी देख रहे हैं वो और कविता का मेलजोल नज़र नहीं आता। तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं आपको आज़ादी से लेके जो रेलेवेंट पोइट्री आज की है, और हर रोज़ एक शायर और एक नई कविता और एक नई ज़बान, वो उससे आपको मैं परिचय कराऊंगा। तो मैं वो किताब आपको अगर इजाज़त हो मैं पेश कर सकूँ। Thank you.